हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल पवार ब्रदर्स। तो कैसे सब, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज आपके सामने है जीप रेंगलर। जीप रेंगलर मतलब भाई थार का बाप, ऐसा कह सकते हैं फादर ऑफ थार। अभी देखते हैं दोनों गाड़ी आपने सामने होंगी साइड बाय साइड। आप बताना फिर कौन सी गाड़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है, कौन सी क्या है क्या नहीं है। मेरे को तो यार सच बताऊँ, क्या बताऊँ समझ ही नहीं आ रहा यार। नितिन भाई क्या कहने दोनों गाड़ियों के ऊपर? दिन रात का फर्क है, तुम्हें पता नहीं है? दिन रात का कैसे फर्क है यार, अब मैंने ग्रिल भी चेंज करा ली, हेडलाइट्स भी चेंज है। वैसे नहीं वैसे। तो दोस्तों, इसमें अब मैं कंपेयर करूंगा जीप के मामले में। क्या बोलोगे, जो क्या? ये बैग रखने के भारी पड़ रहे हैं इसमें, उसके लिए क्या बोलोगे? जीप रेंगलर और महिंद्रा थार के बीच में कंपेयर करूंगा इस वीडियो में। तो आप देखना भाई क्या है, क्या सीन होता है। हाँ तो भाई, सबसे पहले मैं इनके मतलब फ्रंट लुक दिखाता हूँ अब दोनों गाड़ियों की एक साथ खड़ी करके, बिल्कुल भाई जेन्युइन एकदम। तो ये देखो भाई, दोनों गाड़ियाँ फ्रंट से ऐसी लगती हैं। ये मैंने भाई ग्रिल चेंज करा रखी है, तो ग्रिल का थोड़ा इशू था, मतलब वो बेकार लगती थी, इसलिए मैंने रेंगलर वाली ग्रिल लगाई। फिर दूसरे बात है बम्पर पे, इसका भाई थोड़ा अलग टाइप का, इसका थोड़ा अलग टाइप का, ठीक है भाई हो गया है। हेडलाइट्स दोनों की सेम है, हेलोजन मतलब इन्होंने भाई ने भी करा रखी है, मैंने भी मॉडिफाई करा रखी है, वरना हेलोजन आती है। फोग लैंप है मतलब नीचे वाली, ये थोड़ी सी इसकी स्टाइलिश हो जाती है, इसके नॉर्मल हो जाती है, ठीक है। और ये साइड की भाई एलईडी, इसकी थोड़ी सी बड़ी आती है, और अपनी जो थार है इसकी बिल्कुल छोटी आती है, बिल्कुल छोटी। तो मतलब ठीक है, ओके की रिपोर्ट है, ठीक है। दूसरा कंपेयर हम करते हैं तो भाई इसका बोनट की लंबाई की कितनी, क्या सीन है भाई, देखो खुद देखो कि कितना लंबा। अब मैं थार से एकदम प्योर रिव्यू कह रहा हूँ, कंपेरिजन करूँगा कि भाई थार और इसमें क्या सीन है। ये देखो भाई, मतलब ज़्यादा नहीं 19-20 का फर्क है, मतलब थार थोड़ी सी आगे खड़ी है, इस वजह से आपको लग रहा है, वरना बराबर सा हिसाब किताब है, आप वीडियो में देख पा रहे हो तो। ठीक है भाई, लेंथ की बात करता हूँ मैं, पीछे से आगे से साइड से सारी चीज़ें दिखाऊंगा। टायर पे आते हैं अब, ठीक है भाई। तो टायर जीप रेंगलर के भाई ये देख लो आपको दी, और थार के दिखा दूँ, थार के तो 18 इंच है, और इसके मेरे को लग रहे हैं 20 इंच के टायर लग रहे हैं, मैं कंफर्म हूँ नहीं, बाकी देख लेता हूँ एक बार। हाँ भाई 20 इंच के इसमें, ठीक है। यहाँ पे आ जाती है इसमें जीप रेंगलर की बैचिंग, और अपनी थार में आ जाती है सिंपल थार की बैचिंग। ये भी ओके की रिपोर्ट है, ठीक है भाई। और यार वैसे देखा जाए तो कुछ कुछ चीज़ें सेम कर रखी है, जैसे अब ये मिरर हो गया, ये साइड मिरर हो गया, और ये जो शेप है इसकी, और ये शेप जो थार की है ये भी सेम करा रखी है। फिर डोर हैंडल इसके तगड़े, ये सही है यार, बढ़िया लग रहे हैं। ये चीज़ है जो, ये भी अपनी थार में है, ये देखो ये क्या है, मतलब कुछ कुछ चीज़ें बिल्कुल सेम डिट्टो कर दी भाई, डिट्टो। प्लस जो इसका जो मेन बात है, जिसमें हम बड़े प्यार से हम कंपेरिजन कर सकते हैं, कि भाई ये लंबी पड़ती है थोड़ी, ये यहाँ से आ जाती है जी वैगन वाला सीन, कि भाई डिग्गी ये जी वैगन सी लग रही है, देखो भाई। और अपनी थार यहीं पे बिल्कुल 4 सीटर खत्म हो जाती है। पीछे से आपको लुक दिखा देता हूँ, मैं साइड ग्रुप आपको मैं दिखा दी। इसमें आता है भाई बॉडी कलर, डोर ये फेंडर होते हैं जो, ये बॉडी कलर होते हैं, और इसमें भाई आते हैं ब्लैक कलर के, ये मड फ्लैम होते हैं जो, मतलब भाई हम ट्रिप पे थे यार, इतनी गंदी हुई पड़ी है गाड़ी, क्या बताऊँ मैं। और वैसे तो ये भी गंदी हुई पड़ी है, लेकिन कमेंट सेक्शन में आप बताओ आपको जीप जो रेंगलर है ये अच्छी लग रही है, या फिर जो अपनी महिंद्रा थार है ये अच्छी लग रही है, ठीक है भाई। अब पीछे से लुक देखते हैं, पीछे से भाई कई लोगों मॉडिफाई करवा देते हैं, जो रेंगलर की लाइट है वो डिट्टो थार में आ जाती है, तो भाई थार रेंगलर जैसी बन जाती है, पीछे से भी सेम है। प्लस इसमें जो ये क्या है, ये अलग सी चीज़ लग रही है भाई, मैं पहली बार देख रहा हूँ देखो मैं। और अपनी थार की ये जो रूफ है, ये हार्ड टॉप है, अलग चीज़ है, ठीक है भाई। तो पीछे से देखो भाई दोनों गाड़ियों को, मतलब तो हुक दे रखा है इसमें नहीं दे रखा, इसमें नीचे की तरफ है, ओके की रिपोर्ट है बिल्कुल। अब आपको दोनों गाड़ियों की मैं साइड से लुक दिखाता हूँ, ये देखो भाई ओके की रिपोर्ट लग रही है बिल्कुल। जीप रेंगलर भाई बहुत लंबी गाड़ी है, बहुत ज़्यादा, बहुत मतलब थार से तो आप यूँ लगा लो डबल काम हुआ पड़ा है, बिल्कुल ओके की रिपोर्ट है। तो भाई एक बार मैं आपको इसका इंटीरियर दिखा देता हूँ कि जीप रेंगलर का कैसा इंटीरियर, क्या सीन है। तो भाई वही चाबी से खोलने वाला जो थार में एकदम रफ फील, भाई डोर बहुत ज़्यादा हैवी है, मतलब इसको बोलते हैं ना बहुत हैवी वो सीन, भाई वाह। फर्स्ट टाइम मैं भी आपके सामने है, एकदम डिट्टो आपके सामने इंटीरियर देख पा रहा हूँ। ये भाई यार क्या लग रहा है यार, एक नंबर इंटीरियर लग रहा है गाड़ी का। मैं एक बार बैठता हूँ कि मैं एक एज अ थार ओनर की जीप रेंगलर कितनी ऊँची लगती है। वाह भाई ऊँची तो लग रही है भाई, तगड़ी ऊँची लग रही है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। थार वो कड़ी मतलब इन दोनों गाड़ी है, पर इंटीरियर के मामले में करूँ मैं भाई जीप रेंगलर का बेस्ट इन क्लास इंटीरियर है। हाँ कि 65-70 लाख की गाड़ी है, थार वही अपने 15-16 लाख वाला सीन है,
और ये देखो भाई इसकी छत, इसमें ये फायदा होगा कि भाई गर्मियों में जैसे थार वो गर्म हो जाती है, शायद ये गर्म ना हो क्योंकि इसका अलग सी चीज लग रही है, थार में ऐसा कुछ है नहीं, ये बिल्कुल थार जैसे दे रखे हैं। ठीक है, आगे से जो ये फील आ रही है ना, ये भी बिल्कुल थार जैसी आ रही है क्योंकि थार में भी अपने को बोनट दिखता है। ये दो चार चीजें हैं, ये अलग है, बिल्कुल अलग है, ऐसा थार में कुछ है नहीं। पूरी बॉडी कलर है, ये 4x4 ऑटोमेटिक है, ये भी अपनी एक बार आपको बैक की सीट दिखा देता हूँ मैं, क्या सीन है, कितना स्पेस आता है भाई। ये भी भाई पूरा स्पेस है गाड़ी में। और ये देखो, ये फिर से मैं एक पॉइंट बता दूं, थार का कंपेयर कर रहा हूं भाई, ये डिट्टो ऐसे थार में यार काम महिंद्रा ने करके रखा, पूरी गाड़ी कॉपी कर रखा, मतलब मैं पहली बार देख रहा हूं यार। पर एक चीज जो मुझे समझ में आई है वो क्या है, वो ये है, ये सच में बेस्ट इन क्लास कार है। और जो अपनी थार है, अगर जिस किसी भाई ने भी थार नहीं देखी हो, एक बार मैं आपको अपनी जो थार है इसका इंटीरियर भी दिखा देता हूँ, अपनी थार का इंटीरियर दिखा दूँ, कुछ ऐसा अपने थार का इंटीरियर दिखता है तो ठीक है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो जो जीप रैंगलर और थार के बीच में थी। उम्मीद करता हूँ आपको दोनों गाड़ी अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। बाय बाय टाटा, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।